हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं मनाली में, जो कि हिमाचल प्रदेश की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है और इंडिया की भी बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। तो यहां पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, इसकी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी पूरी वीडियो में, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद ये चादर हर जगह दिखने वाली है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस मौसम में आएंगे कि आपको ऐसी बर्फ यहाँ पे देखने को मिले, और साथ ही साथ यहाँ पे इस टाइम क्या एक्टिविटी की जा सकती है, क्या सावधानियाँ भी बरतनी आपको चाहिए इस टाइम में, और बहुत सी प्लेसेस क्लोज होती हैं, ओपन होती हैं, और बहुत सारी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। साथ ही आप जान पाएंगे कि कैसे आप पैसे बचा सकते हैं ऐसे मौसम में भी, पीक सीजन में भी। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हो। आइए मेरे साथ घूमिए मनाली। तो मनाली की धरती पर मैं कदम रख दिया हूँ और पहली बार ऐसा हुआ है कि बर्फ में मैं इस तरह से उतरा हूँ और चारों तरफ बस बर्फ दिख रही है, और अब बर्फ ही दिखती रहेगी हर तरफ। बाकी चलते हैं, और यहाँ से लगभग 500 रुपये एक पर्सन के मांग रहे हैं, लगभग 7-8 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया, और होटल तक जाने के 500 रुपये पर पर्सन है, क्योंकि स्लिपरी है काफ़ी रोड और बस आगे जाएगी नहीं। सो इस टाइम खर्चे इसी तरह से बढ़ेंगे। ये करना चाहिए। कितना लगा है? 1100 फाइनल हुआ है, जिप्सी जा रही है। 1100 रुपए में? हाँ, सारे सात लोग। सात लोग? ओ, 1100 में सात लोग है, 1300 में सात लोग हैं, तो काफ़ी सही रेट है। और जूते मेरे स्लिप कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एकदम जो बर्फ है वो जमी हुई है, और बहुत संभल संभल के चलना पड़ेगा। सो इस जनवरी में कितना खर्चा आएगा इस बार मनाली में, देखते हैं। शुरुआत हो चुकी है। सो पहले तो 500 रुपये बोला था पर पर्सन, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोगों ने कई लोग मिल गए आपस में, तो 1300 रुपये टोटल अल्टीमेटली लग रहे हैं। दिल्ली से मनाली मैं बाई वॉल्वो बस आया था, और जनरली इसके चार्ज 1000 से 1500 रुपये तक एक साइड के होते हैं, पर मैंने Trypto.in से पैकेज लिया था, जिससे ये कॉस्ट मुझे 700 से 800 रुपए ही पड़ी। जो गाड़ी थी वो हमें अपने होटल तक ड्रॉप नहीं करी है, और यही बस स्टैंड जो मनाली का है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे है मनाली का HRTC बस स्टैंड। यहाँ पे इस टाइम कोई भी बस लगी नहीं है, क्योंकि यहाँ से बस जा ही नहीं रही है, और जो भी जा भी रही है वो बाहर से आगे से ही जा रही है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होगा। और यहाँ से अब हमारा होटल है 1.8 किलोमीटर, पैदल जाते हैं या कैसे जाते हैं देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम है स्नो की, नहीं तो पैदल भी जा सकते थे, पर अगर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई चारा नहीं रहेगा, तो जाना ही पड़ेगा पैदल। मनाली की ऐसी खूबसूरती आपको केवल जनवरी और फरवरी में ही देखने को मिलती है, और वो भी स्नोफॉल होने पर या फिर स्नोफॉल के एक दो दिन बाद तक, क्योंकि उसके बाद बर्फ पिघल जाती है और गंदी भी हो जाती है। मनाली का मेरा जो होटल का रूम है वो एक नज़र में आपको पसंद आ जाएगा। ये रहा, आप देख रहे होंगे डबल बेड रूम है, और उससे भी बेहतरीन इधर वाला व्यू दिखाता हूँ बाद में। पहले ये आप देखो, बहुत ही प्यारा सा व्यू दिख रहा है, और इधर से अगर आप व्यू देखेंगे वो पेड़ पे एकदम पूरी बर्फ की चादर यहाँ पे बिछी हुई है, और बहुत ही प्यारी लोकेशन पर मैंने बुकिंग कराई थी Trypto.in से, जिन्होंने गजब की सर्विस दी है, और होटल देख के तो मैं वाकई में खुश हूँ। और आप भी बुकिंग कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप भी देख सकते हैं, उनसे करा सकते हैं, पूरे पैकेज मिलेंगे तो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। और मेरे फेस पर आप देख रहे होंगे ये बर्फ की जो भी लाइट पड़ रही है वो पूरी दिख रही है। बाकी चलते हैं और भी जगह पर। आज की शुरुआत हर बार की तरह मैं हिडिंबा देवी टेम्पल से करने वाला था, पर इस बार का नजारा हर तरफ बिल्कुल अलग था। सो ये है चीड़ का पेड़, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरा बर्फ इस पे जमा हुआ है, और इसी पे टिक जाता है, जैसे जैसे भार होता है धीरे धीरे ये झुकता जाता है, और ऐसे ही पूरा ऊपर तक है। जो गिर रही है ये स्नोफॉल नहीं है, ये इन्हीं चीड़ के पेड़ों पे, देवदार के वृक्ष पर टिकी हुई
बर्फ है और जैसे जैसे धूप से पिघल रही है वो गिरती चली जा रही है, और नीचे वाली ये अभी जमी है, यहाँ पे धूप नहीं पड़ रही है इसलिए नहीं गिर रही, और ये स्नोफॉल वाली फीलिंग भी दे रही है, सो ये भी एक अमेजिंग चीज़ है यहाँ पे। हिडिंबा देवी टेम्पल के आगे और पीछे दोनों जगह से रास्ता है, और इस टाइम यहाँ पीछे का रास्ता काफी खूबसूरत लग रहा था, जहाँ आपको खाने पीने की चीजें भी आगे के रास्ते के कंपैरिजन में सस्ती मिलती है, और यहाँ पर जब सीढ़ियों पर बर्फ पड़ी हो तो संभल कर चले क्योंकि बर्फ से पांव स्लिप होता है। इतनी बार हिडिंबा देवी टेम्पल में आया हूँ पर ऐसा नज़ारा कभी भी देखने को नहीं मिला है। हर बार ये मनाता ज़रूर था कि ऐसा मौका मिले। लगभग 5 से 6 बार मैं मनाली आ चुका हूँ और इस बार भगवान जी हमारे कुछ अलग रंग रूप में दिख रहे हैं, ये आप देखिए। जब स्नो नहीं होती है तो हिडिंबा देवी टेम्पल कुछ इस तरह की दिखती है, लेकिन इस टाइम की खूबसूरती एक अलग ही लेवल की थी। हिडिंबा देवी टेम्पल में आप ये बर्फ लदी हुई देख रहे होंगे, यहाँ पे जो चादर है उसमें पूरी बर्फ है, और इसको ढूंगरी देवी टेम्पल भी बोलते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनकी भीड़ आज देखने लायक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल आप मंदिर में दर्शन ही कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे खरगोश वगैरह रहते हैं उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, याक होती है उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं, कुछ नेम वगैरह लिखवाना हो वो सब कर सकते हैं। सो ये एक ऐसी प्लेस है जो पूरे एक तो देवदार के जो पूरे पेड़ हैं उनके बीच में बसी हुई है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर अगर इस मौसम में आते हैं तो बर्फ़ धीरे धीरे गिरते हुए यहाँ पे दिखेगी अगर अच्छी स्नोफॉल हुई है तो, क्योंकि कल ही अच्छी बर्फ़बारी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या नज़ारा है, और इन नज़ारों को देख के आपका दिल ज़रूर करेगा यहाँ पर आने का। जब इतनी बर्फ पड़ी होती है तब कार या बाइक चलना बंद हो जाती है, और ऐसे में आपको पैदल ही घूमना होता है, और टूरिस्ट प्लेसेस भी मनाली की लोकल साइट सीन तक ही सीमित हो जाते हैं। पर ऐसे में आप यहां एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और फोटोज भी क्लिक करवा सकते हैं। मनाली में अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या कपल आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा कंफर्ट को प्रेफर करें और उसके लिए पैकेज ले लें। पैकेज सस्ता पड़ता है, अराउंड 6,000 रुपये तक का पैकेज पड़ेगा। सस्ता कैसे पड़ेगा वो भी मैं बता दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो दिल्ली से यहाँ मनाली तक आना और जाना उसकी बस मिल जाती है वॉल्वो, जो कि जनरली 1200-1300 रुपये की एक लोग का होता है एक तरफ का, मतलब वही अगर आप देखेंगे तो 3,000 के आसपास हो जाता है। और फिर उसके बाद बात आती है यहाँ पे घूमने का भी, उसमें इंक्लूड हो जाता है ब्रेकफास्ट डिनर भी इंक्लूड हो जाता है। लोकल साइट सीन में उसमें घुमा देते हैं जैसे कि हिडिंबा देवी टेम्पल हो गया, मनु टेम्पल हो गया, बसेस टेम्पल हो गया, यहाँ का मॉल रोड हो गया, और यहाँ की मॉनेस्ट्री है एक वहाँ पे तिब्बतन मॉनेस्ट्री, वहाँ पे भी घुमा देते हैं। तो ये सारी प्लेसेस एक दिन में घुमा देते हैं। एक दिन में बाकी आपको घुमा देते हैं सोलांग वैली की ट्रिप करा देते हैं, स्नो व्यू पॉइंट वगैरह है, कई सारी चीज़ें हैं। तो 2-3 दिन की डे ट्रिप आपकी ये पूरी हो जाती है इंक्लूड साइट सीन का, और बाकी तो आपका होटल भी इंक्लूड रहता है, ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड होता है। तो 6,000 में अगर देखेंगे पर पर्सन में तो काफ़ी रीजनेबल है, और अगर आप मेरा कोड भी लगाएंगे शुभम 500, मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देखेंगे तो उससे आपकी 500 रुपये और बच जाएंगे, मतलब 5,500 रुपये में आप घूम लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल है, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, आपको के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब इतनी बर्फबारी हो तो होटल लोकेशन बहुत मैटर करता है, इसलिए आप मेन मॉल रोड या हिडिंबा देवी टेम्पल के आसपास में ही होटल लें। यार ये कितने कपड़े फैलाए हुए हैं यार इधर, ले जाने हैं सबके सब और क्या। अरे तो ले जाओगे किसमें ले जाओगे, इतना सारा कपड़ा है, बैग इतना बड़ा सा तो नहीं दिख रहा है। अरे तो बैग में थोड़ी आएगा यार, कंबल है, जैकेट है। भाई अभी करके दिखाते, ट्रैवलॉग का बैग है, बहुत चीज है इसमें। ये चेन इधर देख रहे हो, इसमें यहाँ शूज भी रख सकते हो, यहाँ पे नीचे अभी इतना भरा हुआ है मेरा ऑलरेडी। अब इधर एक मस्त चीज दिखाते हैं, देखो नीचे रेन का और बढ़िया रखा हुआ है यहाँ पे,
जब बारिश वारिश हो निकाल के एकदम लगा दो। कुशन वुशन मस्त एकदम इधर है, बहुत कंफर्टेबल होता है, भारी भी बहुत नहीं लगता है, अगल बगल सब जगह है। करो देखते हैं, दिखा देंगे तो फिर क्या दोगे, जो कहोगे देंगे और क्या। हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि कंबल भी है ना यार, दो जैकेट है। सॉरी बॉस, देखिए स्टिल स्टिल जगह है इसमें अभी इतनी है। और लुक देखो यार, लुक कितना मस्त है भाई, दिखने में तो नहीं लग रहा था यार। मतलब ले लो यार एक तुम भी। अरे ये होटल का है भाई, अरे क्या कर रहा है, टॉवेल होटल का है। मतलब ये इतना गुमान में है, ये सोच रहा है जो मिले मैं भर लूं इसमें, है ना। नहीं यार अच्छा भाई, इतना बढ़िया आ रहा है यार, मतलब नहीं एक्चुअली देखने में नहीं दिख रहा था कि इतना स्पेस होगा इसमें। अभी भी यार, अभी मैं खुद ऑर्डर करता हूँ। बंदा रेडी हो गया, ड्राइव वॉक। हिडिंबा देवी टेंपल की तरह ही मनाली की मॉल रोड का भी हाल कुछ बर्फीला ही था। इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास सिवाय पैदल चलने के। मनाली में ये आप देख रहे होंगे मॉल रोड है, और मॉल रोड का हाल यहाँ पे इस तरह का है, पूरा बर्फ से एकदम जमी हुई है रोड। स्लिप करते हुए चल रहे हैं हम लोग, और लगभग 2 किलोमीटर के करीब होटल है, पर जाना तो पड़ेगा ही। सो चले जा रहे हैं, इतनी बर्फ है कि पैर रखने बहुत लग रहा है भाई, फिसलते फिसलते जा रहे हैं धीरे धीरे, पांव पर पहुँचेंगे भाई। बर्फ गिरा रहे हैं लोग अपने अपनी छत से, हाँ ज़्यादा बर्फ हो जाना भी आफत। हालांकि दोपहर में मौसम बदलने के साथ ही मॉल रोड पर टेस्टी फूड की खुशबू भी आनी शुरू हो गई। आज 20 का जी। इस टाइम अगर सीनियर सिटीजन है तो आना अवॉइड करें, क्योंकि रोड बहुत ही स्लिपरी होती है, लेकिन बच्चों और हनीमून के लिए आने वालों के लिए ये बेस्ट सीजन है। हिडिंबा देवी टेंपल के बैक साइड में ही एक शॉप भी है, और यहाँ पे आपको पकौड़ी और समोसे, ब्रेड पकोड़े और जितने भी राजमा चावल और कई सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी जेन्युइन रेट पे मिल जाएगा। 100 रुपये में इतना राजमा चावल मिला है, जो कि काफ़ी है, दाल चावल कढ़ी चावल वगैरह भी मिल जा रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्टी भी है और गर्मा गर्म मिलता है, तो मज़ा आता है। ज़्यादा गर्म खा लिया पर बढ़िया है, आप जरूर एक बार आ सकते हैं यहाँ पे। जब ज्यादा बर्फ हो तो अपनी खुद की कार से ना जाएं, क्योंकि बर्फ में गाड़ी चलाना बहुत ही रिस्की होता है, और अगर आपकी कार कुछ इस तरह से फंस गई तो आपको शायद अपनी कार भी कुछ दिन के लिए यहीं पर छोड़नी पड़े। हिडिंबा देवी टेंपल के बैक साइड में अभी जो जगह आप देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारी सी ये प्लेस है। ये पेड़ों पे जो बर्फ टिके हुए हैं ना, देख के मन खुश हो जाएगा। और यहाँ कोई आया भी नहीं है, तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे एकदम प्लेन है, और यहाँ पे उठा के मैं आराम से बर्फ को थोड़ा टेस्ट भी कर सकता हूँ। तो काफ़ी अमेजिंग प्लेस है हिडिंबा देवी टेंपल के पीछे आप आएंगे, और जनवरी फरवरी के टाइम में जब बर्फ अच्छी खासी होती है या फिर फ्रेश बर्फबारी होती है, तो ये आपको व्यू देखने को मिलेगा। मस्ट विजिट प्लेस है, अननोन प्लेस है, हिडिंबा देवी के बैक साइड में है, पर अगर इधर आएंगे तो कुछ एक्टिविटीज भी होती है, वो भी आप कर सकते हैं, और मज़ा ज़रूर आएगा आपको। हाँ मुझे तो बहुत मज़ा आया। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ट्रैवल रिलेटेड और डिटेल इंफॉर्मेशन, जैसे किसी भी प्लेस की आइटनरी, बजट, इंटरनल डिटेल, होटल, सिटी, वीजा या किसी भी तरह की ट्रैवल से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारी 99 रुपीज की फी पे करके कंसल्ट कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे होटल के पास में ही ये जो पूरा आप देख रहे होंगे एरिया, इवन होटल के आसपास या किसी भी जगह पे जाएंगे तो इस टाइम बर्फ ही बर्फ दिख रही है। और यहाँ पे अराउंड यहाँ पे कुछ जगह ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है, पर वहाँ पे अंदर नाली वाली भी होती है, सो इसका ध्यान रखें। और बर्फ़ में ऐसा पता भी नहीं चलता, यहाँ पे एकदम नीला नीला सा ये दिख रहा है व्यू, आँखें एकदम चमक जा रही हैं, वाह बहुत सॉलिड है, हाँ बहुत प्यारी सी लग रही है।
मनाली के इस मौसम में आप अपने साथ ग्लव्स, इनर, विंटर कैप, स्वेटर, सनग्लासेस, अच्छे शूज या बूट और पानी को गर्म रखने वाली बोतल जरूर साथ में रखें। मनाली के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ऐसे ही बर्फ से भरी और भी प्लेसेस पर ले जाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ सस्ते में महीने भर तक स्टे भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।